मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने घोषित प्रत्याशी माजिद सिद्दीकी का टिकट काटकर खतौली से ही पूर्व विधायक रहे करतार सिंह भड़ाना को प्रत्याशी बनाया है। करतार सिंह के भाई अवतार सिंह भड़ाना समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन से रालोद के सिंबल पर जेवर से चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा ने खतौली से माजिद सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन मंगलवार से ही यहां प्रत्याशी बदलने की चर्चाएं जोरों पर थी। फिर पूर्व विधायक करतार सिंह भड़ाना ने भाजपा छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। बहुजन समाज पार्टी ने घोषित प्रत्याशी का टिकट काटकर करतार सिंह भड़ाना को खतौली से प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब भड़ाना के चुनावी मैदान में आने के बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भाजपा ने यहां सिटिंग विधायक विक्रम सैनी और रालोद सपा गठबंधन ने पूर्व मंत्री राजपाल सैनी को प्रत्याशी बनाया है। करतार सिंह भड़ाना वर्ष 2012 में खतौली विधानसभा सीट से रालोद कांग्रेस गठबंधन पर चुनाव लड़ा था उन्होंने और जीत हासिल की थी। करतार भड़ाना भाजपा से खतौली सीट से दावेदारी जता रहे थे, लेकिन बात नहीं बन रही थी। टिकट न मिलने पर करतार सिंह भड़ाना ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। करतार सिंह समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, बहुजन समाज पार्टी के भी सदस्य रह चुके हैं। वे अक्सर दल बदल करने के लिए चर्चा में रहते हैं। करतार सिंह भड़ाना बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मोदी सरकार में मौजूदा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मध्य प्रदेश की मुरैना श्योपुर सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। भड़ाना के करीबी के अनुसार गुर्जरों में मजबूत पकड़ की वजह से ही उन्हें कई दलों से अलग अलग राज्यों की सीटों से टिकट मिलता रहा है। इससे साबित होता है कि गुर्जरों में करतार और उनके भाई अवतार सिंह भड़ाना की लोकप्रियता क्षेत्र या राज्य से नहीं बंधी है। वह पूरे गुर्जर समुदाय के नेता है।